हेलो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले ना बड़ा ही मजेदार चैप्टर है। चैप्टर है क्लास 10th की इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक का, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अब देखो, नाम सुन के तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये जो चैप्टर है ये एक डायरी में से लिया है, और डायरी किसने लिखी है? एन फ्रैंक नाम की एक बच्ची ने। और जब ये डायरी लिखी ना उस बच्ची ने, सिर्फ 13 ईयर्स की थी वो। अब तुम्हें अगर एक ऐसे लिखने का बोले तो तुम्हें लगता है कि यार कोई चीटिंग करा दे। और सोचो, वो बच्ची लगभग तुम्हारी एज की और उसने डायरी लिख दी, तो सीखो कुछ। अब ये जो एन फ्रैंक है ना, इनका पूरा नाम था एनलीस मरी फ्रैंक। ये जर्मनी में पैदा हुई थी एंड शी वॉज ए ज्यूइश। 12 जून 1929 को पैदा हुई। अगर जर्मनी और ज्यूइश सुन के कुछ याद आया ना, इसका पक्का मतलब है कि तुमने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ाई की। और जो सबसे पहला नाम तुम्हें याद आया होगा वो क्या रहा होगा? हिटलर। बिल्कुल सही। तो ये जो लोग थे ना, ये जर्मनी में रहते थे और ये फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी। अब ये तो तुम्हें पता ही होगा कि हिटलर ने कैसे कैसे टॉर्चर किया बेचारे ज्यूइश लोगों को। तो ये जो हिटलर वाले लोग थे उनको नाजीज कहते थे। तो ये नाजीज जब ज्यूइश लोगों के पीछे पड़ गए ना, तो ये जर्मनी में पैदा हुई थी, पर वो वहां से निकल के नीदरलैंड शिफ्ट हो गए। और नीदरलैंड में एम्स्टर्डम नाम की जगह, जहां ये लोग छुप छुप के रहते थे। तो ये जो डायरी है, तो ये तभी की बात की लिखी हुई है जब वो लोग बेचारे छुप छुप के रहते थे। एन फ्रैंक की फैमिली और 4 फ्रेंड्स और उनकी फैमिली, ये लोग ना 2 साल तक छुपे रहे। पता है कहाँ छुपे रहे? उनके पापा के ऑफिस की एक सीक्रेट सी जगह थी, जिसमें किसी को देख के लगते ही नहीं था कि अच्छा यहाँ पे रूम्स भी हैं रहने के लिए। वहाँ पे एक बड़ी सी बुक शेल्फ थी और बुक शेल्फ के पीछे से एक दरवाजा था, सीक्रेट सा दरवाजा। बट नाजीज तो नाजी थे। 2 साल तक ये एन फ्रैंक की फैमिली और बाकी के लोग वहाँ छुपे रहे, पर फाइनली 2 सालों के बाद ना नाजीज ने इनको ढूंढ निकाला और कहाँ भेज दिया? कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ना ये नाजीज ज्यूइश लोगों पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, उनको बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करते थे। और जो मेडिसिन के ट्रायल्स होते थे ना, वो डायरेक्ट ह्यूमन ट्रायल्स होते थे। मतलब अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो सीधे इंसानों पे। अब कई बार ऐसा होता था किसी किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो जाता था या कोई और प्रॉब्लम हो जाती थी, और बहुत सारे लोग ना कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में मर जाते थे। और तो और, वहाँ की हाइजीनिक कंडीशंस इतनी बुरी थी कि वहाँ पे कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल जाता था, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े काट खाते थे लोगों को, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। अब इन लोगों के ग्रुप में से सिर्फ एन फ्रैंक के पापा, बोले तो ऑटो एन फ्रैंक, सिर्फ वो ही जिंदा बचे। बाकी सारे लोगों की ना उन्हीं कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डेथ हो गई। इनफैक्ट एन फ्रैंक ना टाइफस नाम की एक बैक्टीरियल डिसीज से उनकी भी डेथ हो गई। अब जब एन फ्रैंक के पापा कॉन्सेंट्रेशन कैंप से बाहर निकले, एम्स्टर्डम आए अपनी चीज़ों को समेटने के लिए, तो उन्हें ये डायरी दिखी। जब डायरी उन्होंने पढ़ी तो उन्हें लगा कि बहुत ही यूनिक सा रिकॉर्ड है, और उन्होंने इसको पब्लिश कराने के बारे में सोचा। अब जब पब्लिश कराया तो इनिशियली उस बुक का नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। बाद में इस बुक को ना बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, इस पर टीवी सीरियल्स बने, मूवीज बनी, और तो और इस पर एक ओपेरा भी टेलीकास्ट किया गया। एन फ्रैंक ना बहुत ज़्यादा रिनाउंड विक्टिम बन गई थी। किस चीज़ की पता है? होलोकास्ट की। होलोकास्ट क्या था पता है? वो टॉर्चर भरे दिन, वो नरक जैसा जीवन जो हिटलर और नाजी लोगों ने दिया था बेचारे ज्यूइश लोगों को। अब ये जो डायरी है ना, ये इनको मिली थी इनके 13th बर्थडे पे। थोड़ा सा हिसाब लगाओ, 1929 में ये पैदा हुई, मतलब 12th जून 1942 को इनके हाथ में ये डायरी आई। तो इसके बाद के जितने भी सारे इंसिडेंट्स हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे गए। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज लिखे गए। अब जब भी ये चैप्टर शुरू होता है ना, तो वहाँ पे छोटा सा प्यारा सा पासपोर्ट साइज का फोटो है, और वो फोटो जितना प्यारा है ना, उसके नीचे का कैप्शन उससे भी ज़्यादा प्यारा है। तुम लोग क्या करते हो जब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फोटो डालते हो? कैप्शन गूगल से ढूंढ के लाते हो। और ये जो बच्ची है ना, इसने बड़ा ही प्यारा कैप्शन लिखा। पता है कैप्शन में क्या लिखा? वो ये कहती है कि जैसे मैं इस फोटो में दिख रही हूँ ना, काश कि मैं हर टाइम पे ऐसी दिखती,
कहने का मतलब कि ये फोटो बड़ा ही सुंदर है। और वो ये कहती है कि अगर मैं ऐसी दिखती रही ना तो हो सकता है कि मुझे हॉलीवुड मूवी में चांस भी मिल जाए। अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में वो ये कहती हैं कि जो डायरी राइटिंग का एक्सपीरियंस है ना बड़ा ही स्ट्रेंज है मेरे लिए। स्ट्रेंज इसलिए नहीं कि आज के पहले मैंने कभी कुछ लिखा नहीं, बल्कि इसलिए कि 13 साल की बच्ची की डायरी को कौन पढ़ना चाहेगा। वो कहती हैं कि इनफैक्ट हो सकता है कि मैं जब बड़ी हो जाऊं या थोड़े टाइम बाद मुझे खुद को ही इंटरेस्ट ना आए इसमें पढ़ने के लिए। बट खैर जो भी हो, कोई पढ़े या ना पढ़े, किसी को इंटरेस्ट आए या ना आए, आई फील लाइक राइटिंग सो आई राइट। वो कहती है मेरा मन है लिखने का तो मैं लिख के रहूंगी। ये जो बच्ची थी ना बड़ी कमाल की बच्ची थी। इनकी राइटिंग, इनका वर्ड सिलेक्शन और इनकी थॉट प्रोसेस, भाई साहब क्या मजेदार लिखा है। पता है उन्होंने क्या लिखा है? अ पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। कहने का मतलब कि कागज के टुकड़े में ना ज्यादा सब्र होता है लोगों के बजाय। मतलब कि कागज के टुकड़े को आप अपनी सारी तरीके की फीलिंग्स बता सकते हो। सोचो एक छोटी सी बच्ची पर कितना कमाल का लिख रही है। अब ये वाली जो बात है ना कि एक पेपर में ज्यादा पेशेंस होता है, ये उनको ऐसा तब ख्याल आता है जब ना वो लिस्टलेस काइंड ऑफ फील करती है। लिस्टलेस बोले तो कोई एनर्जी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। वो ये नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि मैं आज घर के अंदर रहूं या बाहर जाऊं या करूं तो करूं क्या। तो जब वो ऐसा कुछ सोचती है तो वो सोचती है कि यार मैं बात करूं तो करूं किससे, अपनी फीलिंग्स किसके साथ शेयर करूं। वो ये कहती है कि मेरा ना कोई रियल फ्रेंड है ही नहीं। अब ये सारी बातें सुन के किसी को भी ये लगेगा कि ये बच्ची दुनिया में अकेली, पर एक्चुअली ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरे इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मेरे लविंग पेरेंट्स हैं और मेरी एक बहुत अच्छी सिस्टर है, और तो और ऐसे लोग हैं जिनको कि मैं अपनी फ्रेंड्स की लिस्ट में गिन सकती हूँ। पर ये जो सब है ना, दिस इज ऑल ऑन द सर्फेस। ऑन द सर्फेस मतलब ऐसा बस ऊपर ऊपर से। असलियत में ना ऐसा कोई है ही नहीं जिसके साथ मैं अपने सारे दिल की बातें शेयर कर सकूं। अब इनके साथ दो प्रॉब्लम्स है। पहला तो ये कि ये ना चाहे जिस टॉपिक पे बात नहीं कर पाती, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ग्रुप में इकट्ठे हुए चाहे जिस टॉपिक पे शुरू हो जाते हैं, ये सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे बात कर सकती है जिनसे ये रिलेट कर पाती है, मतलब डे टू डे टॉपिक्स पे। और दूसरी प्रॉब्लम ये कि ये कहती हैं कि मैं ना जल्दी से किसी इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर पाती। आगे एन फ्रैंक लिखती हैं कि खैर जो भी है, अनफॉर्चुनेटली थिंग्स आर लाइक दैट एंड दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। मतलब ये चीज़ें, लोग, दुनिया, ये सब ऐसे ही रहेगा, कुछ बदलने वाला है नहीं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो मुझे प्रॉम्प्ट करता है डायरी लिखने के लिए, वो ये कि मेरा ना कोई रियल फ्रेंड, कोई ट्रू फ्रेंड है नहीं। तो मैं आज से इस डायरी को अपना रियल फ्रेंड मानूंगी। और जब एक पर्सनल कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है ना तो क्या होता है, हम किसी चीज़ का नाम रख देते हैं ना तो हमें एक अलग ही बॉन्ड डेवलप हो जाता है उसकी, उस चीज़ और हमारे बीच में। तो इनका ये जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड था जिसको कि ये अब किटी बुलाती है, ये कौन था? एक्चुअली ये थी इसकी डायरी। तो इन्होंने अपनी डायरी का नाम रखा किटी। तो ये जब डायरी लिखने की शुरुआत करती हैं तो ये लिखती हैं डियरेस्ट किटी। अब जब ये डायरी लिखने की शुरुआत करती हैं तो वो ये कहती हैं कि अगर मैंने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया तो ना किटी और मेरे बॉन्ड को कोई समझ ही नहीं पाएगा। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है प्लंजन। प्लंजन मतलब अचानक से जंप कर जाना किसी टॉपिक पे। तो वो कहती है कि इसलिए मैं ना थोड़ी अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच बता देती हूँ। और साथ में वो ये भी कहती है कि हालांकि मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताने में इतना इंटरेस्ट है नहीं, ना ही मुझे पसंद है, पर फिर भी अगर किटी और मेरे बॉन्ड को समझना है तो मैं थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बता देती हूँ। अब बैकग्राउंड के बारे में ये बताती है कि मेरे पापा, बोले तो ऑटो वन फ्रैंक, ही इज दी मोस्ट अडोरेबल मैन, सबसे अच्छे पापा इस दुनिया के। वैसे हर किसी बच्चे को ना ऐसे ही लगता है कि उसके पापा इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। और ऐसा तब तक लगता है जब तक पापा के हाथ की ना दो चार पड़ी नहीं हो। वैसे ये मारने का काम यूजुअली मम्मियाँ करती हैं, पर अगर तुमने कोई बहुत बड़ा भयंकर कांड किया होगा ना तो पापा के हाथ से पिटने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। किस्मत अच्छी रही होगी तो ऐसा नहीं भी हुआ होगा। तो ये जो है, इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। एन फ्रैंक जो थी बड़ी प्यारी बच्ची थी, इसलिए कहती है
मेरे पापा ना दुनिया के सबसे अच्छे पापा, सबसे अच्छे इंसानों में से एक थे। जब उसके पापा 36 ईयर्स के थे और उसकी मम्मी 25 ईयर्स की थी, तो उन्होंने शादी की। जब ये पैदा हुई तब तक 4 साल तक ये लोग फ्रैंकफर्ट में रहे। फ्रैंकफर्ट बोले तो जर्मनी में ये पैदा हुई। इनकी एक बहन भी थी जो इनसे 3 साल बड़ी थी। शी वॉज बॉर्न इन 1926 और उसका नाम था मार्गोट। मतलब कहने का कि ये लोग 4 लोग थे, मम्मी पापा इनकी बहन और ये खुद। अब जब ये 4 साल की थी तब तक तो ये लोग जर्मनी में रहे, पर उसके बाद इनके पापा ना हॉलैंड शिफ्ट हो गए। हॉलैंड जब वो शिफ्ट हुए, इमिग्रेट हुए जर्मनी से हॉलैंड, तो उनके साथ उनकी मम्मी भी हुई। इनकी मम्मी का नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। अब 1933 में इनके पापा मम्मी तो शिफ्ट हो गए हॉलैंड, इन दोनों बहनों को एन फ्रैंक को और उनकी बहन मार्गोट को, इनको अपनी दादी के साथ रहना पड़ा। और इनकी दादी रहती थी एशन में। अब क्या हुआ कि दिसंबर में 1933 दिसंबर में इनकी बहन को इनके मम्मी पापा ले गए अपने साथ हॉलैंड, पर एन अभी भी अपनी दादी के साथ ही थी। अब जब इनकी बहन का बर्थडे आया तो पता है क्या किया है उसके मम्मी पापा ने? उसकी बहन के बर्थडे वाले दिन ये लोग हॉलैंड ले गए, एज इफ शी इज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर हर सिस्टर। ये छोटे भाई बहनों को ना कभी कभी कुछ भी हरकतें सहन करनी पड़ती है। अब 1941 में पता है क्या हुआ? इनकी ग्रैंड माँ ना थोड़ी ज्यादा बीमार हो गई, और इतनी ज्यादा बीमार दैट शी हैड टू हैव एन ऑपरेशन। 1942 में फाइनली ग्रैंड मदर की डेथ हो गई। अब ये कहती हैं कि 1941 में ग्रैंड मदर बीमार थी तो मेरा बर्थडे ना एकदम ठीक ठाक सिंपल सोबर सा मना। 1942 वाला जो बर्थडे था वो इस प्लानिंग से मनाया गया कि भाई पिछले साल नहीं मनाया था तो इसको थोड़ा ठीक ठाक मना लेते हैं। और 1942 का जो बर्थडे था उसका जो केक था उसमें एक कैंडल दादी माँ की याद में भी जलाया गया। ये कहती हैं कि मैं ना अपनी दादी माँ को बहुत मिस करती हूँ, किसी को नहीं पता कि मुझे उनकी कितनी याद आती है। क्यों? क्योंकि उनकी दादी माँ और उनके बीच ना एक स्पेशल बॉन्ड था। और ये सब बताते बताते हम पहुँच गए आज की डेट। आज की डेट बोले तो तब की डेट, और वो कौन सी थी? 20 जून 1942। आज के दिन ये चारों लोग, बोले तो मम्मी पापा एन फ्रैंक और उनकी बहन, बड़े मज़े से रह रहे। और अब यहाँ से ही अपनी डायरी की शुरुआत करते हैं। अब इस डायरी की पहली एंट्री है 20 जून 1942 की। ये बताती है कि आज के दिन ना क्लास में सब लोग बड़े नर्वस थे, सब लोग इधर उधर घूम रहे, बड़े टेंशन में बात कर रहे हैं। पता है क्या होने वाला था आज? आज ये डिसाइड होने वाला था, इनकी क्लास के टीचर्स ये डिसाइड करने वाले थे कि कौन से बच्चे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होंगे और कौन से बच्चे इसी क्लास में रहने वाले हैं। ऐसी नर्वसनेस तुम्हें भी फील होती है जब या तो रिजल्ट आने वाला होता है या पीटीएम आती है। अब देखो यहाँ पे नर्वसनेस और ये जो चहल पहल हो रही है ना, उसके लिए एक फ्रेज यूज किया है, दैट इज क्वैकिंग इन बूट्स। तो उसको याद रखना। इस बच्चे की लाइफ से ना थोड़ा बहुत तुम भी रिलेट कर पाओगे। जैसे जब रिजल्ट आने वाला होता है तो तुम अपने दोस्त को बोलते हो ना कि यार तू तो निकल लेगा, पता नहीं मेरा क्या होगा। तो ऐसी कुछ बातें इनकी क्लास में भी हो रही थी। हर कोई ना एक दूसरे को यही बोल रहा था कि भाई तू तो निकल लेगा, पता नहीं मेरा क्या होगा। एन फ्रैंक कहती है कि वैसे तो ना मेरी क्लास में ऑलमोस्ट 1/4 क्लास ऐसी है, इतने बेवकूफ टाइप के बच्चे हैं जो तो कि ना आगे प्रमोट होना डिजर्व भी नहीं करते, बट आप कभी भी कुछ कह नहीं सकते हो क्योंकि ये जो टीचर्स होते हैं ना इनका कोई ठिकाना ही नहीं होता, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये कहती है द टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। मतलब कि वो उनका कोई ठिकाना नहीं, आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि एक टीचर क्या करेगा। कभी कभी तुमको भी ऐसा लगता है ना कि इतना अच्छा पेपर दे के आया फिर भी इतने कम नंबर, पता नहीं टीचर्स को क्या चाहिए। तो ऐसे ही इनको भी लगता था। आगे ये अपनी डायरी में लिखती हैं कि मुझे मेरा और मेरी फ्रेंड का तो पक्का पता था कि हम लोग तो प्रमोट हो ही जाएंगे, बस ना एक डर था, और वो डर पता है कौन से सब्जेक्ट का था? मैथ्स का, जो कि मोस्टली बच्चों को लगता है। तो वो ये कहती हैं अगर मैथ्स को छोड़ दिया जाए ना तो मैं आराम से प्रमोट हो सकती हूँ। बट खैर अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था सिवाय वेट करने के। तो अभी लोग वेट करते हैं अपने टीचर्स का जो आके ये डिसाइड करने वाले हैं कि कौन आगे प्रमोट होगा और कौन नहीं। साथ में ये कहती है कि मेरी ना टीचर से अच्छी बॉन्डिंग थी,
मतलब कहने का कि ये एक अच्छी बच्ची थी। इनको जो पढ़ाते थे 9 टीचर्स थे, जिसमें से 2 फीमेल टीचर्स थी और 7 मेल टीचर्स थे। और इनके एक मैथ्स के सर थे, उनका नाम था मिस्टर कीजिंग। अब हर किसी स्कूल में ना मैथ्स के जो टीचर होते हैं वो थोड़ी एकदम फैशनेबल नहीं होती, मोटा सा चश्मा होता है, थोड़ी स्ट्रिक्ट टाइप की। हर स्कूल के मैथ्स की टीचर के जैसे ही ना एन फ्रैंक के मैथ्स के टीचर थे। मैथ्स के टीचर कोई बहुत फैशनेबल तो होते नहीं, ऐसे ही एन फ्रैंक के मैथ्स के टीचर भी थे। मिस्टर कीजिंग जो थे ना बड़े ही ओल्ड फैशन टाइप के थे। और तो और ये मिस्टर कीजिंग जो है ना ये एन फ्रैंक से थोड़े अनॉयड रहते थे, और उसका रीज़न ये था कि एन फ्रैंक ना बहुत ज़्यादा बोलती थी। अब एक तो तुम मैथ्स क्लास में इतना बोल रहे हो, फिर समझ में आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। फिर ऊपर से रिजल्ट वाले दिन तुमको इतना डर लग रहा है, तुम बोल रहे हो कि यार सारे सब्जेक्ट्स का तो पक्का पता है, बस मैथ्स का नहीं पता। तो भैया जब मैथ्स में नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा कम बोलो। अब ये जो मिस्टर कीजिंग थे इन्होंने एन फ्रैंक को पहले वार्निंग्स दी कि देखो बेटा थोड़ा ध्यान लगाओ पढ़ने में, बातें कम किया करो। पर नहीं, एन फ्रैंक ना चुप नहीं रह सकती थी। अब मिस्टर कीजिंग परेशान होकर उसको एक पनिशमेंट देते हैं, और पनिशमेंट क्या होती है? एक्स्ट्रा होमवर्क। एक्स्ट्रा होमवर्क मतलब उनको एक ऐसे लिखना होता है, और ऐसे का टॉपिक होता है और चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब एक ऐसा पर्सन जो सारे टाइम बोलते रहता है। पहले जब उसको टॉपिक मिला तो उसने सोचा मैं क्या लिखूंगी इसमें, पर उन्होंने अपनी नोटबुक निकाली, उसको जॉट डाउन किया, जॉट डाउन मतलब नोट डाउन किया टॉपिक को, और सोचा कि चलो शाम को लिखूंगी। अब जब शाम को सारा होमवर्क करने के बाद वो लिखने बैठी, अब लिखने बैठी तो वो सोची, तुम लोग कैसे सोचते हो? अपने पेन का ढक्कन मुंह में डाल के। सेम हरकत एन फ्रैंक की, पेन का ढक्कन चगलते चगलते भाई साहब 3 पेजेस ऐसे लिख दिया। और जो ऐसे था ना बड़ा मज़ेदार। वो मज़ेदार इसलिए क्योंकि उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स दिए थे ना एन फ्रैंक ने बहुत सही थे। सबसे पहले तो वो ये कहती है कि जो बात करने वाली प्रॉब्लम है ना ये बच्चों का एक बहुत बेसिक ट्रेट है, अगर बच्चे नहीं बात करेंगे तो कौन बात करेगा। और वो ये भी कहती है कि मैं कोशिश करूँगी थोड़ा चुप रहने की, क्लास में ध्यान देने की, पर ये मेरे लिए ना बहुत मुश्किल है। और मुश्किल इसलिए क्योंकि ये इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड बोले तो हमारी खानदानी बीमारी है। वो ये कहती है कि मेरी मम्मी भी बहुत बोलती है और इसलिए मैं भी बहुत बोलती हूँ, तो मेरे लिए चुप रहना इस बहुत बहुत मुश्किल, बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए चुप रहना। अब ये आर्ग्यूमेंट्स पढ़ के ना मिस्टर कीजिंग को भी बड़े मजे आए। थोड़े दिन तो सब ठीक ठाक चला, पर फिर से वही हरकत। फिर से एन फ्रैंक ने बहुत ज़्यादा क्लास में बातें करनी शुरू कर दी। मिस्टर कीजिंग फिर से परेशान हो गए, फिर से एक्स्ट्रा होमवर्क मिला, फिर से एक ऐसे लिखने को मिला, पर इस बात का टॉपिक था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, सुधार ही नहीं जा सकता। तो भाई साहब एक ही टॉपिक पे 3 पेज और दूसरा ऐसे, ये सिर्फ ना एन फ्रैंक की बस की बात थी। तुमको क्या लगता है जब वो इतनी अच्छी डायरी लिख सकती है तो वो एक ऐसे नहीं लिख सकती होगी क्या? उन्होंने एक बड़ी ऐसा ऐसे इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स वाले टॉपिक पे लिख के मिस्टर कीजिंग को पकड़ा दिया। मिस्टर कीजिंग वॉज सेटिस्फाइड। 2 लेसन्स हो गए, चलता रहा चलता रहा, पर तीसरे लेसन के आते आते फिर से वही प्रॉब्लम, फिर से वही बग बग, फिर से वही पनिशमेंट, फिर से एक्स्ट्रा होमवर्क, और फिर से एक ऐसे का टॉपिक। और इस बार का टॉपिक था क्वैक 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 सेड मिस चैटरबॉक्स। अभी क्वैक क्वैक ना बदक के बोलने की आवाज़ होती है। जब ये टॉपिक मिला पूरी क्लास हंसी, और साथ में एन फ्रैंक खुद भी हंसी। अब देखो ऑनेस्टली वो कहती है कि अब ना मेरे पास इस टॉपिक पे लिखने का कोई ऑप्शन नहीं बचा था, कुछ बचा ही नहीं, अब मैं लिखूं तो लिखूं क्या? अब देखो एक बात ये बताओ मुझे कि तुम्हारे जो दोस्त हैं उनके शौक और तुम्हारे शौक मिलते जुलते हैं ना? जैसे तुमको फेसबुक चलाना पसंद है, इंस्टाग्राम्स पे रील्स बनाना पसंद है, और भयंकर वाला टाइम पास करना पसंद है, तो तुम्हारे दोस्त भी ऐसे ही होंगे। अब ये जो हमारी एन फ्रैंक है इसको डायरी लिखना पसंद है, तो इसका एक दोस्त था, उसका नाम था सैम। उसको पता है पोएट्री लिखनी पसंद थी। तो जो दोस्त होते हैं ना उनकी ना हरकतें और लखन भी मिलते जुलते ही रहते हैं। तो ये जब थर्ड ऐसे लिखने की बात आई तो उनके पास एक्चुअली कुछ बचा ही नहीं था, तो उन्होंने सैम की हेल्प ली।
और पूरा ऐसे पता है पोम के फॉर्म में लिख दिया, वर्सेस के फॉर्म में। भाई साहब इतना जबरदस्त, ऐसे बड़ा मजेदार। और मिस्टर कीजिंग को भी ना बहुत अच्छा लगा ये ऐसे। आप देखो जो बच्ची एक जैसे टॉपिक पे 3 बार इतने अच्छे ऐसे लिख सकती है, इतनी अच्छी डायरी लिख सकती है, तो तुम्हें क्या लगता है कि उसकी हाजिर जवाबी क्या कम रही होगी? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही अच्छे आंसर्स देती थी वो। एक बार ही क्या हुआ, मिस्टर कीजिंग ने ना एन फ्रैंक पे जोक मारने की कोशिश की, बट एन फ्रैंक ने ऐसा होने नहीं दिया, बल्कि उल्टा उन्होंने अपने सर के ऊपर जोक मारा। अब ये जो उनको टॉपिक मिला था ना, क्वैक 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 सेड मिस चैटर बॉक्स, उन्होंने इस पे जो ऐसे लिखा बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसे, उन्होंने एक पोम के फॉर्म में लिखा। और पता है एक्चुअली उसमें था क्या, उसमें उन्होंने लिखा कि एक मदर डक होती है, एक फादर स्वैन होता है, और उनके 3 डकलिंग्स होते हैं। डकलिंग्स मतलब डक्स के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। और उन्होंने लिखा कि वो जो 3 डकलिंग्स थे, दे वर बीटन टू डेथ बाय फादर, मतलब उनको इतना मारा गया, इतना मारा गया। किसने मारा? उनके पापा ने, कि वो मर गए। और क्यों मारा? बिकॉज दे स्पोक अ लॉट, दे टॉक्ड अ लॉट, इसलिए मारा क्योंकि वो बच्चे बहुत बातें करते थे। इस पोम के बाद ना लकीली मिस्टर कीजिंग को ये बात समझ में आई कि बच्चे हैं बेचारे तो बात तो करेंगे। उन्होंने इस पोम को ना उनकी क्लास के सामने पढ़ के सुनाया, अपने कमेंट्स ऐड किए, न सिर्फ उनकी क्लास को सुनाया बल्कि दूसरे बच्चों की क्लासेस में जा जाके उनको भी सुनाया। इस इंसिडेंट के बाद ना मिस्टर कीजिंग में एक जबरदस्त चेंज आया, और वो चेंज पता है क्या, अब ना एन फ्रैंक को कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया जाता, कोई पनिशमेंट नहीं, कोई ऐसे नहीं। और तो और शी वॉज अलाउड टू टॉक, उनको बात करने की भी परमिशन दी गई। और सबसे अच्छी बात, सबसे मजेदार चेंज पता है क्या आया, कि मिस्टर कीजिंग भी ना अब जोक्स मारने लग गए थे क्लास में। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। बाय बाय।